So hello everyone. Once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. So the topic of the today is application of Rawls law. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ हम लोग ने देखा था, रॉल्स लॉ के लिए मैंने बताया था आपको कि दैट इज द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. इफ बोथ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आर वोलाटाइल, द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. बट इफ one of the if solute is non volatile, vapor pressure is only due to the solvent. तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि what sort of information we can gather from Rawls law. तो Rawls law में हम लोग ने graph plot किया था, आज फिर से graph plot करेंगे. वो करने से पहले मैं आपको बता था किस तरह से ग्राफ प्लॉट करें, अपना कंडीशन क्या है. इफ ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, एक केस मैंने पहले ही अज्यूम करके रखा है. ओके, ए इज मोर वोलाटाइल. तो अगर आपको इक्वेशन होगा, याद होगा इक्वेशन हम लोगों ने जो लिखा था, दैट इज पी टी टोटल. अगर इक्वेशन अगर आप देखोगे, पी टी इक्वल्स टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए, ये चीज, ये इक्वेशन हम लोग ने देखा था. इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो. तो इसी का आज हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. ग्राफ क्या होगा, तो सबसे पहले जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग, दैट इज पी टी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो देखिए ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, रफ स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता है, बट आप नेचर पे ध्यान दीजिएगा. ग्राफ में किस तरह से प्लॉट कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये ले लिया मैंने, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करूँगा मैं. यहाँ पे एक्स का मोल फ्रैक्शन लेता हूँ मैं, तो यहाँ से एक्स से स्टार्ट करता हूँ. ये जीरो ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे वन ले रहा हूँ. उसी तरह से एक्स भी अगर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा वन और ये आएगा ज़ीरो. ओके, तो एक्स भी ज़ीरो है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपको दिखना चाहिए. पी टी वर्सेस, जिसमें पी ए ज़्यादा है, तो इस तरह से ग्राफ आएगा, जिसमें यहाँ पे आप बोलोगे दिस इज पी ए नॉट और ये आप बोल दोगे पी बी नॉट. ओके, ये ग्राफ हम लोग ने देखा था. इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग. अब वो ग्राफ क्या होगा, दैट इज इसी पे प्लॉट करेंगे. तो एक और इक्वेशन अगर आपको पता हो, जो हम लोग ने लिखा था लास्ट क्लास में, दैट इज दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये वेपर फेज के लिए मैं लिख रहा हूँ. तो पी टी इक्वल्स टू क्या होता था, वेपर फेज में अगर जाए, दैट इज पी ए नॉट. ओके, वाई ए के टर्म में लिख रहा हूँ मैं, वाई ए के कंपोजिशन लिख रहा हूँ, दैट इज पी टी इक्वल्स टू ये ग्राफ हम लोग नहीं लिखेंगे. अपना इक्वेशन क्या था मैं आपको बताता है, इक्वेशन क्या था अपने पास, इक्वेशन था कि अगर किसी का भी मोल फ्रैक्शन लिखना है, किसी भी फेज में अगर मोल फ्रैक्शन लिखना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज दिस इज पी ए इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए, ए आएगा, पी ए इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए. तो यहाँ से अगर आप इसको पी टी का इक्वेशन लिखेंगे और दिस इज पी ए अपॉन क्या हो जाएगा,
PA अपॉन YA हो जाएगा, फिर ये PT का ग्राफ आप ये सब ब्रेक कर सकते हो टोटल। तो आप देखिए ये इनवर्स रिलेशन है PT और YA में, क्या है इनवर्स रिलेशन आ चुका है PT और YA में। तो ग्राफ का नेचर जो होगा, ग्राफ अगर आप देखोगे इस तरह से आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया। ओके, तो ये ग्राफ किसके लिए लिख देता हूँ, दिस ग्राफ इज फॉर PT वर्सेस YA और जो भी है, एंड ये ग्राफ जो है दिस इज PT वर्सेस XA। ओके, तो ये यही ग्राफ मुझे आपको बताना था। ऐसे बहुत सारा इक्वेशन है अपने पास, PT के लिए हम लोग इक्वेशन डेराइव कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ में देखोगे कुछ टर्म्स है जो अपने को जानना है, ये आपके बुक में नहीं है बट अगेन थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो होता है, ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है, जो ग्राफ आपको ब्लू लाइन से जो ग्राफ दिख रहा है, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज वेपर कंपोजिशन ड्यू पॉइंट कर्व। ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल एज ड्यू पॉइंट कर्व, यही ध्यान रखना है। और ऊपर का जो ग्राफ है, दिस इज कॉल एज बबल पॉइंट कर्व, दिस इज कॉल एज बबल पॉइंट कर्व। ओके, तो ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर वेपर कंपोजिशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया है, दिस इज फॉर वेपर कंपोजिशन नीचे वाला ग्राफ, और ये जो ग्राफ है दिस इज फॉर लिक्विड कंपोजिशन। तो ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा क्या मीनिंग है। तो आप देखिए, अब इस ग्राफ के नीचे जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू वाला ग्राफ के नीचे जो भी स्टेट होगा, ओनली इट विल हैव, ये चीज ध्यान में रखना है, ब्लू वाले ग्राफ के नीचे ओनली वी हैव सुपर सैचुरेटेड, मतलब कोई भी लिक्विड नहीं होगा, इट विल हैव सुपर सैचुरेटेड वेपर, ध्यान रखिएगा ये ग्राफ। और जो ब्लैक वाला ग्राफ है उसके ऊपर सिर्फ अपने पास क्या होगा, दिस विल हैव सुपर कूल्ड लिक्विड। तो यही चीज सिर्फ बताना था मुझे, ये चीज ग्राफ देख लीजिए, ब्लैक वाला जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड बबल पॉइंट कर्व, ये ग्राफ है पीटी वर्सेस एक्सए मोल फ्रैक्शन इन सॉल्वेंट फेज। जो ब्लू लाइन से आपको कर्व दिख रहा है दैट इज द पीटी वर्सेस वाई ए, दैट इज द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके, सो ब्लू लाइन के जो नीचे वाला है वहां पे सिर्फ वेपर होगा, इसलिए मैंने वहां पे लिखा सुपर सैचुरेटेड वेपर। उसके ऊपर जो ब्लैक लाइन से ऊपर है दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड का ग्राफ है, इसलिए उसके ऊपर ही होगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब इस ग्राफ से क्या अपने को एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, इस ग्राफ को ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ग्राफ का फायदा क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्राफ। तो देखिए एप्लीकेशन का मीनिंग है, तो मैं फिर से एक रफ ग्राफ बना रहा हूँ, उसी वो बहुत भर गया था इसलिए मैं उस पर दिखा नहीं सकता। तो एक तो इस तरह से लिया था आपने और ये इस तरह से लिया था, आप चेक कर लेना, एक जो एक नीचे वाला कर्व था दैट इज द ड्यू पॉइंट का, ऊपर वाला कर्व था दैट इज द ओके। सो यहां पे पी ए नॉट पी बी नॉट है, सॉरी दिस इज पी बी नॉट एंड दिस इज पी ए नॉट, ऊपर भी देख ले गलत तो नहीं, क्या सही है। ओके, ये लिया बिकॉज मैंने पहले ही बोल के रखा है पी ए नॉट ग्रेटर देन। ओके, सो ये ग्राफ है। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है कि मान लीजिए अभी आपका यहाँ पे कोई कंपोजिशन है, ये पार्टिकुलर प्रेशर है, प्रेशर है फिक्स टेम्परेचर पे और सेम कंपोजिशन है, धीरे 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 आप प्रेशर कम कर रहे हो। जैसे ही प्रेशर कम करोगे ये पॉइंट को जैसे ही टच करेगा, इस पॉइंट को टच करेगा, तो यू कैन से फर्स्ट ड्रॉप
ऑफ वेपर विल फॉर्म, इसलिए इसको बबल बोला जाता है, वेपर का बबल बना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए बबल पॉइंट कर्व। तो इस पॉइंट जैसे जैसे इसके नीचे आते जाएगा, ये जो रीजन है यहाँ पे, दिस इज वेपर प्लस लिक्विड, यू कैन से दैट इज लिक्विड, दोनों का फेज है, ये वेपर भी है, दैट इज ओके। सो ये जो बीच का कर्व है, इसमें अपने को वेपर भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। तो जैसे इस ग्राफ को क्रॉस कर लेगा, अब ये नीचे वाला जो कि ये नीचे वाले ग्राफ है, इसको जैसे ही क्रॉस कर लेगा, तो यहाँ पे पूरा आप बोल सकते हो कि इसके बाद एक भी ड्रॉप लिक्विड का नहीं बचेगा, और जैसे इसके नीचे आया विल हैव ओनली वेपर, यहां पे जैसे ही आया ओनली लिक्विड और यहां पे लिक्विड। तो यही अपने को समझना है कि ये और एरिया बिटवीन द टू कर्व इज द वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये क्या है, दिस इज, यू कैन से इसके बारे में ध्यान रखिएगा, दिस इज वेपर, ओके, ये जो रीजन है दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रीजन, ये ध्यान में रखना, दैट इज एरिया बिटवीन टू कर्व इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को एनालाइज करते हैं तो अपने को जानना होता है कि कब अपने को सिर्फ वेपर मिलेगा, कब अपने को सिर्फ सॉल्वेंट मिलेगा, और ऐसा कौन सा फेज होगा जहां पे दोनों चीज अपने को मिलेगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ओके तो प्रेशर अगर बहुत ही कम हो गया तो ओनली वेपर, अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है तो ओनली लिक्विड। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग ने देखा, एक और एप्लीकेशन देखते हैं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ओके। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन, वो भी ग्राफ के फॉर्म में ही है। नाउ बी पार्ट में जो है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ओके। यहां पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज, कंपोजिशन फेज डायग्राम। सो दिस इज व्हाट, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन फेज डायग्राम, ओके। तो प्लॉट कर लेता हूं, डायग्राम सिर्फ बता देता हूं मैं, डायग्राम क्या है, दिस इज, तो मान लीजिए प्लॉट कर लिया मैंने ग्राफ इस तरह से, इसमें सिर्फ उससे उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा, बिकॉज आपको पता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप याद कैसे रखोगे, देखो दोनों ग्राफ का नेचर इसी तरह से होता है, ये दोनों ग्राफ अगर देखोगे सिर्फ यहाँ पे क्या है, इस बार स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं दिखेगा, ओके। अब ग्राफ को कैसे याद रखेंगे हम लोग, दिस इज टी ए नॉट एंड दिस इज टी बी नॉट, A is more volatile than B, A बोला गया है, A is more volatile, तो A ज्यादा volatile इसका मतलब है boiling point इसका कम होगा than B, A is more volatile than, यहाँ पे 0 और 1 से start करेंगे, mole fraction of B लेंगे हम लोग, mole fraction of B is more volatile, okay? So, इसके ऊपर जो ग्राफ होगा, जो ऊपर वाला लाइन आपको फिर मैं कलर से शो करता, समझ में आएगा, जो रेड लाइन के ऊपर वाला है, इस बार सैचुरेटेड, क्या बोलोगे आप, दिस इज सुपर सैचुरेटेड वेपर, क्यों याद कैसे रखेंगे, हाई प्रेशर पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है, लो प्रेशर पे गैस, इसलिए देखिए जो हाई प्रेशर रीजन है वहां पे लिक्विड आया, लो प्रेशर रीजन पे वेपर आया, यहां पे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करता है, वेपर, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, लिक्विड, तो ये क्या आ जाएगा, सुपर, दिस इज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, कैसे याद रखेंगे हाई प्रेशर कौन है, लो प्रेशर, ओके। ये जो ग्राफ नीचे वाला देख रहा है, इस बार क्या हो जाएगा, दिस विल बी द बबल पॉइंट, बिकॉज इस बार बबल के लिक्विड के लिए दिस इज बबल पॉइंट कर्व, ऊपर वाला जो ग्राफ है ये क्या हो जाएगा, दिस इज ड्यू पॉइंट कर्व, ड्यू पॉइंट कर्व,
और बीच में जो है ग्राफ आ जाए क्या होगा, अगेन दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलियम में रहेगा, दिस इज लिक्विड वेपर इक्विलियम में रहेगा। तो ये ग्राफ अपने को ध्यान में ना, इस ग्राफ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऊपर वाला ग्राफ किसका है, नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, कौन ड्यू पॉइंट कब है, कौन बबल पॉइंट कम है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कम करते जाओगे तो टेम्परेचर कम जैसे जैसे करोगे, पहला पॉइंट आएगा जब यहाँ पे मान लीजिए आया पहला ड्रॉप वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर जैसे ही मान लीजिए यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे यहाँ पे दोनों फेज मिलेंगे, जैसे ही ये क्रॉस कर लेगा तो अब कोई भी वेपर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ इसके नीचे जाते जाओ क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंस है इस कर्व का, अपने को अगर कर्व पता है तो वी कैन प्रेडिक्ट किस टेम्परेचर पे वेपर होगा और किस टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ओके। तो द अपर कर्व गिव्स द बॉइलिंग टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, ओके। तो अपर कर्व लिख लीजिए यहां पे, आप लोग भी प्लीज लिख लीजिएगा, दिस इज द अपर कर्व दैट इज ड्यू पॉइंट कर्व और ये सब एक्सपेरिमेंटल, ओके, गिव्स बॉइलिंग टेम्परेचर एट द गिवन प्रेशर, ओके। नाउ एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन वर्सेस मोल फ्रैक्शन एक्स बी, ओके। एंड द लोअर कर्व दैट इज बबल पॉइंट कर्व gives the boiling temperature at the given pressure as a function of mole fraction in liquid phase और ये जो है given versus this is y भी लिख सकते हो, that is mole fraction in vapor phase, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ये जो ऊपर का ग्राफ है दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, जिसको मैंने ड्यू पॉइंट कर्व बोला। नीचे का जो ग्राफ है दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, दैट इज अपर पार्ट ऑफ द कर्व इज ड्यू पॉइंट कर्व इज बॉइलिंग टेम्परेचर एज ए गिवन फंक्शन, ओके। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ओके। नाउ एक क्वेश्चन है,
जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। इतना शायद समझ में आ गया तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता। आज मैंने आपको दो चीज बताया, दो कर्व बताया, दैट इज द डायरेक्ट अप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ। पहला क्या बताया मैंने कि हाउ वी कैन प्लॉट प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो यहाँ पे जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज बबल पॉइंट कर्व, एंड दिस कर्व इज टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। नीचे का जो कर्व ब्लू लाइन का ग्राफ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट कर्व। ड्यू पॉइंट कर्व इज फॉर टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये प्लॉट किया, फिर मैंने यहाँ पे दिखाया कि क्या यूज क्या है इसका। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और प्रेशर है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर आप कम करोगे तो एक पॉइंट आएगा जब बोल सकते हो कि पहला ड्रॉप लिक्विड का वेपर में चेंज होगा। और जैसे ये रीजन आएगा, ये जो आप कर्व के बीच के रीजन देख रहे हो, यहाँ पे लिक्विड भी आएगा और गैस, जैसे इस रीजन को क्रॉस करेगा ओनली वी विल गेट वेपर। तो ये दूसरा जो ग्राफ मैंने बताया, दैट इज द टेम्परेचर वर्सेज कंपोजिशन फेज। अब दोनों को याद कैसे रखेंगे, अपने को पता है हाई प्रेशर पे लिक्विड एग्जिस्ट करता है इसलिए लिक्विड वाला ऊपर है, लो प्रेशर पे वेपर इसलिए, अब हाई टेम्परेचर पे वेपर इसलिए, जो यहाँ पे जो रेड दिख रहा है, ब्लू और रेड दिख रहा है, डैट इज फॉर वेपर, और नीचे वाला किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए होगा। टेम्परेचर वर्सेज, तो ऊपर का ग्राफ टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और नीचे का ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेज मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो आज के लिए इतना ही, सॉरी इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में